بس بوتيا لوكيا किद्दा भाजी की हाल चाल। मैं सब तो पहला सवाल मैं पूछ रहा हूँ और मैं सबसे पहला सवाल आपसे ये पूछ रहा हूँ। आप पूछ सकते हो, माइक आपके पास है। बिल्कुल मेरे पास अभी, और इसलिए मैं इसकी एक पहली क्वेश्चन की अथॉरिटी लेना चाहता हूँ अपने पास कि व्हाट इज इट विद योर वीडियोस। लाहौर के वीडियो में तो लड़की मिल गई आपको, और किसी वीडियो में आपको लड़की मिलती क्यों नहीं है? क्योंकि अगली वीडियो बनानी होती है ना, तो मतलब अगर अभी मिल गई तो फिर अगली वीडियो नहीं बनेगी ना। मतलब जब तक लड़की नहीं मिलती रहेगी तब तक वीडियोस चलती रहेंगी। क्या बात है, क्या बात है, वंडरफुल वंडरफुल। अच्छा ये एक चीज मैं जरूर पूछना चाहूंगा यहाँ पे कि जे शॉन के साथ जब आपने कोलैबोरेशन की बात सोची या छेड़ी, व्हाट वाज द रिस्पॉन्स लाइक, या टाइम लगा इस कोलैबोरेशन को बनने में? टाइम तो अभी कुछ नहीं लगता आई थिंक, जब आप, क्योंकि मैंने जे बाजी को सुना है बचपन से, जब हम स्कूल में थे तब से उनके गाने सुन रहे हैं, और ड्रीम था कि उनके साथ गाना किया जाएगा कभी ना कभी जब उस लेवल पे पहुंच जाएंगे। तो अब हमारे गाने भी चल रहे हैं वर्ल्ड वाइड, एंड उनको जब हमने गाना भेजा एंड ही लव्ड इट और गाना बन गया, बस इतना कुछ मुश्किल नहीं अभी। क्या बात है, वंडरफुल। टी सीरीज है तो कुछ मुश्किल नहीं, टी सीरीज है तो कुछ मुश्किल नहीं। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अच्छा द फ्लोर इज ओपन फॉर क्वेश्चन एंड आंसर्स फ्रॉम द मीडिया फ्रेंड्स। प्लीज आप कुछ पूछना चाहें, एनीथिंग रिलेटेड टू द वीडियो, एनीथिंग रिलेटेड टू द सॉन्ग, एनीथिंग रिलेटेड टू मिस्टर गुरु रंधावा, प्लीज फील फ्री। जी वो यार वो मेरे पीआर हैं, सेल फोन नहीं है। जी 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 जी, क्वेश्चंस फ्रॉम द मीडिया फ्रेंड्स। बाय द टाइम दे थिंक, गुरु बाजी मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा यहाँ पे, टॉकिंग अबाउट डायरेक्टर गिफ्टी, मतलब बहुत कमाल के वीडियोस बनाते हैं, और इस वीडियो को कहाँ पे शूट किया, क्या क्या लोकेशंस थी और कितना टाइम लगा? ये हमने 2 दिन में शूट करा है जयपुर में, और अभी रिसेंटली मैंने पिछला वीडियो भी इंडिया में शूट करा था, ये भी इंडिया में शूट करा है, और अगले आने वाले वीडियोस भी आई थिंक हम सोच रहे हैं कि इंडिया में शूट करें, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान बहुत ब्यूटीफुल है। इस वीडियो में भी हमने कोशिश करी है दिखाने की, और अगले वीडियोज़ में भी आई थिंक अगर कोशिश रही और अगर स्क्रिप्ट वैसा बना तो इंडिया में ही शूट करेंगे। ये जयपुर में हुआ शूट। Lovely, wonderful. अच्छा गाने में तो मैं मतलब देख रहा था ऐसे पूरा स्वैगर वगैरह के साथ, रियल लाइफ में बड़े इंटेंस हो आप, ऐसी मतलब ये डिफरेंस क्यों है? उछल कूद करूं करके करना चाहिए बिल्कुल। नहीं आई थिंक कैरेक्टर होता है गाने का, एक अलग होता है इंसान नॉर्मल लाइफ में अलग होता है, तो जैसे टी सीरीज के देखो बैठे अभी चुप करके ऑफिस में भाग दौड़ करते हैं। और सेम आई थिंक हमारा आर्टिस्टों का भी है लाइफ, जब स्टेज के ऊपर और कैरेक्टर है, ऐसे और है वीडियो में और है। लवली वंडरफुल। अच्छा एक क्वेश्चन हमारे मीडिया फ्रेंड्स का, प्लीज। हाय गुरु, दिस इज प्रियंका फ्रॉम सोशल कैचअप। हेलो, मेरा क्वेश्चन है दैट यू नो, आर यू लुकिंग एट एनी मोर इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस आफ्टर दिस, बिकॉज़ दिस लुक्स अमेजिंग। थैंक यू सो मच। आई थिंक जब गाना बनता है, जब साउंड निकल के आता है कुछ नया, तो हम पिच करते हैं इंटरनेशनली, और जब क्योंकि कई बार जब वर्ल्ड म्यूजिक में जाते हैं हम, तो उनको साउंड दिखाना होता है वैसा, रेदर देन लिरिक्स एंड कंपोजिशंस। हिंदुस्तान में लिरिक्स और कंपोजिशंस होती हैं, तो ये हमने गाना बेसिकली हिंदुस्तान के लिए बनाया है, बट जब इंटरनेशनली जाना होता है तो इट्स मोर ऑफ बीट, मोर ऑफ अ साउंड, तो बनाते रहते हैं साउंड। जब कुछ वैसा क्रैक हो जाएगा पता, जब हमें लगता है कि ये उस आर्टिस्ट को भेजेंगे जिसकी जोन का बना है, तो होपफुली विल डू इट वेरी सून। थैंक यू। ग्रेट, मोर क्वेश्चंस। हेलो, हाय। हाँ जी, दो तीन तो नहीं, मैंने बहुत गाने रिलीज करता हूँ साल में तो। अच्छा तो आई थिंक मेरा काम ही है, जैसे आप हर एक जब भी किसी का लॉन्च होता है आप आते हो, आना पड़ता है ना, तो मेरे को भी गाना बनाना पड़ता है अपनी रोटी पानी चलाने के लिए, तो मैं भी कोशिश करता रहता हूँ नया नया लिखने का, नया नया कंसेप्ट लेके आने का, ताकि कुछ डिफरेंट, कुछ नया आँखों को कानों को सुनाई दे, दिखाई दे, जिससे
मेरा और अपग्रेडेशन हो और साथ में साथ टी सीरीज को भी इंडिपेंडेंटली कुछ ओरिजिनल गाने दे पाऊं। कहाँ के? अच्छा अच्छा नहीं सोचता नहीं हूँ, मन नहीं है। नहीं, ऑफर्स की बात नहीं है, बात ये जब आप खुद रेडी नहीं हो तो फिर आई थिंक नहीं होती वो चीज। जब होगा कभी मन किया तो जरूर किसी ना किसी के पैसे खराब करूंगा। हाय या प्रीति फ्रॉम एएनआई, मेरा क्वेश्चन आपके सॉन्ग को लेकर ही है कि अच्छा। इस सॉन्ग में जिस तरह से लड़कियों को दिखाया गया है उसके छवि को, सो वो कहाँ तक जायज है? किसको दिखाया गया? लड़कियों, जिस तरह से वो लड़की आपके कपड़े और बैग ये सब चुरा कर लेकर चली जाती या पैसे? अच्छा, वो मुझे नहीं पता, वो डायरेक्टर गिफ्टी को पूछना पड़ेगा आपको। हमने तो जहाँ तक दिखाना था कि लड़की ने कपड़े पूरे पहने हैं, वो सभ्याचार को फॉलो कर रही है, संस्कार हिंदुस्तानी फॉलो कर रही है, हमने तो वो दिखाने की कोशिश करी है। ऐसे तो आप डॉन फिल्म में तो बहुत कुछ हुआ है, तो ऐसे बहुत सारी फिल्में, उनसे भी पूछो, हमसे मत पूछो। 3 मिनट में तो हमें अब जो दिखाना होता हम दिखा सकते हैं। और आई थिंक इसमें करेक्टर जब आता है, जब एक्टिंग की बात आती है, तो आई थिंक इट्स ऑल ऑन स्क्रीन। रियल लाइफ में तो अभी वो चोरी नहीं कर रही होगी, घर पर बैठी होगी कहीं ना कहीं। थैंक यू। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा, मुझे बहुत मज़ा आया। जब आर्टिस्ट के ऊपर पैसे लगते हैं आर्टिस्ट को मजा आता है, तो मेरे को भी मजा आया। हाय गुरु, दिस इज काजल फ्रॉम बॉलीवुड हेडलाइंस। सॉन्ग बहुत अच्छा है, बहुत अमेजिंग है। मुझे ये पूछना था कि आप जब ये सॉन्ग शूट कर रहे थे, आपको क्या डिफिकल्टीज फेस करना पड़ा, मतलब ड्यूरिंग दिस? कुछ भी नहीं डिफिकल्टी, आई थिंक अब तो इतना स्मूथ, एवरीथिंग इज स्मूथ। अभी हमारी टीम्स हैं ऑलरेडी, जिनको पता है क्या काम करना है, क्या किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टी सीरीज अपने लेवल पे करता है, डायरेक्टर गिफ्टी अपने लेवल पे, मैं अपने लेवल पे, वी म्यूजिक जिसने म्यूजिक करा है वो अपने लेवल पे। सो आई थिंक इट्स ऑल स्मूथ। अभी तो कोई डिफिकल्टी नहीं, जब होगी तो जरूर बताऊंगा। ओके, और आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं? अपकमिंग आई थिंक बॉलीवुड में गाने हैं और ऐसे सिंगल्स हैं जो मेरा चलता रहता है, बट सारे ओरिजिनल गाने हैं, रीमेक कोई नहीं। मोर क्वेश्चंस? जी एक है वहां पे, जी बोलिए। गुरु, आप गाने इतने अच्छे बनाते हैं, हम आपका हर महीने कोई ना कोई तो गाना देखते ही रहते हैं, वेदर सिंगल हो या फिर बॉलीवुड के सॉन्ग्स, पर जब मीडिया फेस करने की बारी आती है तो हम आपको बहुत कम देखते हैं ड्यूरिंग प्रमोशंस, ऐसा क्यों? क्योंकि आई थिंक एक तो टाइम नहीं होता, शोज एवरीडे बुकिंग हो रखी होती है पहले से, और गाना बीच में प्लान हुआ होता है, और दूसरा आई थिंक आपका गाना ही होना चाहिए जो मार्केट में है, आप कम ही आओ तो अच्छा है। क्योंकि कई बार क्वेश्चन आंसर ऐसे होते हैं कि मेरे को तो आंसर करना नहीं आता, मैं सीधा सीधा बोल देता हूँ जो सच होता है। क्योंकि मैंने 3 मिनट में ना तो मैं बता सकता हूँ ये कैसे हुआ, क्यों हुआ है, ना इसके पीछे कोई रीज़न है, ना कोई स्टोरी है। तो ये तो हम फन के लिए करते हैं, ताकि लोगों को खुशी दे सकें। मेरी कोशिश रहती है अच्छे लिरिक्स लिखूँ, अच्छे अच्छे राइटिंग करूँ, अच्छी वीडियो बनाऊँ, और उसी का जवाब होता है मेरे पास, ज़्यादा जवाब नहीं होता, इसलिए मैं कम आता हूँ। पाजी, एक सवाल मेरा एक और आया दिमाग में का पूछ ही लूं। पिछला गाना स्लोली स्लोली, ये वाला गाना सुरमा सुरमा, ये दो दो बार का क्या कॉन्सेप्ट है? ये मुझे खुद नहीं पता, बस मुंह से जो निकल गया वो गाने का नाम रख देते हैं। सूट सूट भी तो था। हां, सूट सूट भी था, करेक्ट, क्या बात, सूट सूट भी था। सो आई थिंक ये जब गाना बन रहा होता है जो मुंह से निकल जाता है वो नाम रख देते हैं। हां, लवली, वंडरफुल। मोर क्वेश्चंस? ओके जी, हाँ जी, चाहिए आपको वो शब्द? अच्छा ठीक है, थैंक यू। आपको पता होना चाहिए, अब आप मेरे गाने सुनते हो हर जगह बिना दारू के, सारे क्लब्स में भी चलते हैं, शादियों में भी चलते हैं। सो आई थिंक हर आर्टिस्ट का ये आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट वेरी करता है। जब आप मार्केट में आते हो, आपको जिस तरीके से एक्सेप्ट किया जाता है, आप फिर वही चीज़ देते हो, क्योंकि आपको रोटी चलानी है अपनी। और मैं वैसे भी रबर लेके करता हूँ, गाने लिखता हूँ, वो फिर नीट एंड क्लीन करता रहता हूँ साथ साथ। वंडरफुल।
All right, so we'll close the question answer session here. And ye photo op ka time hai. Guru Randhawa yahi pe hai. Mic main le leta hun, sir. All yours. Thank you so much, Guru sir. Thank you. Thank you, Baji. With this, we conclude the launch of Surma Surma. Aap jahan bhi jaye, is gaane ko share kare, YouTube pe dekhe, logo ko bole ki zarur dekhe, because it's a beautiful number. It is an international collaboration with the one Jay Sean. I like his confidence. Thank you very much, guys. Thank you for your time. Thank you so much.